नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है, जो गांवों में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभाव में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती है। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं, आपके सामने आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में आलू की खेती की जाती है। जिन किसान भाइयों के खेत देरी से खाली हुए हैं, वो आलू की पछेती किस्मों का चयन कर जल्दी से जल्दी इसकी बुआई करें। लेकिन आलू का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुआई के समय अपनाई जाने वाली कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना होगा, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शालदूर शंकर। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। अभी जो है ज़्यादातर प्रोसेसिंग वैरायटीज लगाने का फायदा है, जिसके अंदर वो चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, फ्राइसोना, इसके अलावा कुछ प्राइवेट वैरायटीज भी हैं। इनमें LR है, सेंटेना है, और एक 1533 करके एक वैरायटी है जो कि चिप्स वैरायटीज है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 340 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम DAP, 170 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 60 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें, और शेष बचे यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 1 से 2 बार में करें। आप बिजाई करते वक्त जो है बीज का बड़ा ध्यान रखें, उच्च गुणवत्ता का बीज लें, जिससे आपका जो दूसरे फर्टिलाइजर्स वगैरह या जो पेस्टिसाइड्स का है वो खर्चा कम हो जाएगा। जो भी खर्चा आप ज़्यादा करना चाहें वो उच्च गुणवत्ता का सीड खरीदने में करें। जहाँ तक बीज दर की बात है, तो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डूबा रहने दें, और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें। इससे इसकी परत कंदों पर सूख जाएगी। उनके बाद इनकी बुआई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से बीजों की बुआई करें। और इसमें जो है पानी का जो पहला इरिगेशन है वो मतलब लाइट रखें, ज़्यादा इरिगेशन ना दें। इसमें 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है पूरी फसल के अंदर, और इसमें फ्लड इरिगेशन, यहाँ पर हम लोग दोनों इरिगेशन यूज़ करते हैं, MI माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई विधि भी, और दूसरा फ्लड इरिगेशन। चलिए